Hey cuties, welcome to Reena's Wardrobe. So guys, in today's video, I'm going to share my Meesho cohort set haul. So guys, you love my cohort set haul and I love cohort set. So I thought ki kyun na ek acha sa video aap log ke liye laya jaye. So guys, in total I have 5 cohort set right here with me jo ki bahut trend kar rahe the, wahi maine buy kiya because यू नो मैं ऑलवेज ट्रेंडी पीसेस ही पिक करती हूँ अगर आप मुझे जानते हो तो. सो या गाइज, आई विल लिंक ऑल द प्रोडक्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एंड प्राइस साइज आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा. सो या एंड गाइज, इफ यू वांट टू नो कि जो मैंने वेयर किया हुआ कॉर्ड सेट ये कहाँ से है, सो दिस वन इज फ्रॉम अमेजोन. इन केस किसी को भी लिंक चाहिए देन प्लीज कमेंट कर देना लिंक और मैं उसको सेंड कर दूंगी. ओके, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट गाइज, आई हैव दिस सेट राइट हियर विद मी एंड जब मैंने इसका प्राइस देखा था तब मुझे लगा था कि यार नहीं यार ये ऐसा तो रिसीव नहीं होगा. सो गाइज, इट कॉस्टेड मी अराउंड 353 रुपीज एंड आई मीन दिस साइज मीडियम एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस आई लव द फैब्रिक ऑफ दिस वन. लुक तो अभी हम ट्रायल में देख ही लेंगे कैसा आने वाला है. फैब्रिक की बात कर लेते हैं तो ना, इसके साथ आपको रिसीव होगा ये बॉटम वेयर जिसमें इलास्टिकेटेड लुक है, पॉलिस्टर फैब्रिक है एंड गाइस पॉकेट्स भी हैं. सो ये कुछ इतनी लेंथ है, हाइट मेरी 5'2" है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायल में देख लेना. और ये इसका अपर है तो 353 के अकॉर्डिंग ना बहुत प्यारी सी क्वालिटी रिसीव हुई है, काफी क्यूट सा है. अच्छा, कलर ऑप्शन काफी सारे थे तो ये जो लेवेंडर कलर है इसकी जगह आपको कोई और फैब्रिक मिल जाएगा, लाइक रेड भी था, ग्रीन था, ब्लैक था, व्हाइट था. सो मुझे लेवेंडर ना थोड़ा हटके लगा तो मैं इसलिए बाय किया एंड चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि लुक कैसा आने वाला है. सो गाइस, ये आउटफिट ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है. लाइक बहुत ही ना एलिगेंट सा, क्लासी सा लुक आ रहा है इसका, लग ही नहीं रहा कि ये जस्ट 300 समथिंग का है. सो बहुत ही अच्छी फिटिंग आ रही है, जो बॉटम वेयर है उसकी भी काफी अच्छी फिटिंग आ रही है एज वेल एज पॉकेट्स भी हैं. एंड ये जो है ना ये भी काफी अच्छा, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा सा शेप दे रहा है देन ये फ्लेयरी फ्लेयरी सा लुक बहुत अच्छा लग रहा है. और ये ना जो है ना लेवेंडर कलर में, इसमें कलर ऑप्शन काफी सारे मिल जाएंगे और भी, तो मैंने लेवेंडर परचेज किया था एंड बैक से कुछ इस टाइप का है. इसके अंदर ना कोई भी लाइनिंग नहीं है तो आप देख सकते हो जस्ट अ फैब्रिक, थोड़ा वो ट्रांसपेरेंटी काइंड ऑफ लुक आने वाला है. एंड जिन भी गर्ल्स का ये था कि भी हमारे लिए कुछ ऐसा लाओ जो बहुत अच्छा भी लगे, अफोर्डेबल भी हो और ज्यादा यू नो रिवीलिंग भी नहीं हो, तो ये रहा ना, इसके लिए जाओ आप, बहुत अच्छा पीस है. सेकेंड, आई हैव दिस पीस राइट हियर अगेन. ये बहुत ट्रेंड कर रहा था, दैट्स द रीजन आई गॉट दिस वन एंड गाइज अगेन आई मीन आई एम लविंग इट. सो या so guys, in this you will get one pajama sort of thingy and shirt. okay, सो गाइज दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लाइक आपको इलास्टिकेटेड ये प्लीटेड स्टाइल मिलेगा, आप पास से देख सकते हो बड़ा क्यूट सा है एंड फ्लोरल डिटेलिंग है. आई मीन जस्ट लुक एट द डिटेलिंग गाइज, बहुत क्यूट है यार, बहुत क्यूट है. एंड इसके साथ ना आपको रिसीव हो गई है फुल स्लीव में शर्ट, अगेन सेम वही प्लीटेड फैब्रिक है इसका एंड फ्लोरल डिटेलिंग है तो बहुत क्यूट सा लग रहा है ये. और इसका प्राइस था 499 एंड आई मीन दिस साइज मीडियम, तो आप फिटिंग तो अभी देख ही लेना ट्रायल में. प्राइस अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट वाला रिसीवर बिकॉज बहुत से सेलर इसको 700-800 का भी सेल कर रहे थे बट मुझे ये 499 वाला बहुत सस्ता सा लगा तो मैंने सोचा चलिए इसको ट्राई करते हैं, लेट्स सी आता है नहीं आता है इतने पैसे में, बट काफी अच्छा आया है तो चलो इसका ट्राई करके देखते हैं. So guys, this is how this set looks like on me and you can see the look of this one. Like मैंने इसको ओपन करके वेयर किया है तो आप इसको क्लोज करके भी वेयर करोगे तो ठीक ठाक लुक आ जाने वाला है बट ओपन करके ज्यादा बेटर लुक आएगा. सो यस एंड फिटिंग ओवरऑल आप देख सकते हो, मुझे थोड़ी सी फिटिंग इधर उधर लग रही है. आई डोंट नो कि कैमरे पे आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा बट ये जो पैंट्स है इसकी फिटिंग थोड़ी इधर उधर लग रही है एंड इसकी डिटेलिंग है ना प्लीटेड सॉर्ट ऑफ प्लीट्स की आजकल बहुत ज्यादा इन है. एंड जो ये मल्टी कलर की फ्लोरल डिटेलिंग है गाइस, ये बहुत ज्यादा ही फ्लैटरिंग लग रही है, काफी अच्छी है बट ये प्लीट डिटेलिंग की वजह से ये हो रहा है कि इसकी फिटिंग इतनी प्रॉपर नहीं आ पा रही है. बाकी सेट जो है वेयर करने के बाद काफी खूबसूरत लगता है, फोटोज बहुत ही क्यूट आने वाली है इसमें, सो आप इसलिए जा सकते हो. एंड बैक कुछ इसका इस सेट का है, सो या डिसेंट सा पीस है तो या आप इसके लिए जा सकते हो बट एक से स्मॉलर चले जाओगे तो ज्यादा बेटर लुक आएगा आई गेस. सो या सो गाइज, माई थर्ड पीस इज दिस वन. जब मैं इसको बाय कर रही थी आई थॉट कि यार थोड़ा सा कॉस्टली है, बाय करूँ नहीं करूँ, मतलब आई वॉज डाइसी अबाउट इट. बट जब मैंने इसको बाय करा एंड रिसीव करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सो नाउ आई एम हैप्पी विद दिस यू नो पीस. सो इन दिस यू विल गेट दीज काइंड ऑफ शॉर्ट्स, ओके इलास्टिकेटेड शॉर्ट्स एंड दिस शर्ट, क्रॉप शर्ट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट्स फर्स्ट.
इलास्टिकेटेड शॉर्ट्स रिसीव होंगे, कुछ इस टाइप का प्रिंट रिसीव होगा। प्योर कॉटन फैब्रिक है गाइस, प्योर कॉटन फैब्रिक, सो बहुत प्यारा सा लग रहा है। कलर ऑप्शंस आई गेस बहुत सारे थे बट आई गॉट दिस यू नो सी ग्रीन सॉर्ट ऑफ। एंड इसके साथ आपको ऐसे क्रॉप शर्ट रिसीव होगी, तो ट्राई ऑन अभी इसका कर लेते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस था इसका 400 एंड उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सही सा पीस है। साइज मैंने बाय किया है इसमें मीडियम। चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। So this is how this set looks like on me guys, you can see काफी ज्यादा cute सा set है, मतलब बहुत अच्छा है। और mixed cotton fabric है इसका and these shorts have pocket also, so बहुत ही मतलब मस्त सा सीन हो रखा है अभी तो, मुझे काफी अच्छा लगा। और इसमें ना यहाँ पे बटन डिटेलिंग है तो आप इसको ओपन करके भी वेयर कर सकते हो। एंड देन मैंने इसके अंदर जैसे एक टैंक टॉप वेयर की हुई है, आपको यहाँ से दिख रही होगी, तो आप ऐसे वेयर करोगे ओपन करके तो भी अच्छा लगेगा और ऐसे भी बहुत ही क्यूट लुक दे रहा है। सो आई रियली लाइक द लुक ऑफ दिस वन, डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं, लाइक बहुत क्यूट है। एंड बैक से कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। और कुछ लोगों को ज्यादा रिवीलिंग नहीं पसंद तो उसके लिए तो बहुत ही सही रहेगा, बिकॉज शॉर्ट्स की लेंथ काफी अच्छी है, ज्यादा शॉर्ट नहीं है एंड अपर तो बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं है। सो या यू कैन गो फॉर दिस वन, काफी ज्यादा प्यारा एंड डिसेंट पीस है, अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट वी हैव दिस सेट राइट हियर, इन दिस यू विल गेट वन शॉर्ट, टैंक टॉप एंड वन कवर अप। ओके, थ्री पीस सेट है ये। सो फर्स्ट हम शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं। So guys, this one is in the fabric polyester and you will get this kind of, you know, look like elasticated look and bohemian sort of print है इस पे फुल। सो बहुत क्यूट सा है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, शॉर्ट्स की लेंथ बहुत डिसेंट, मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट नहीं लग रहे देखने में, वेयर करेंगे तो उसके बाद आइडिया लग ही जाएगा। एंड इसके साथ आपको ऐसे रिप्ड फैब्रिक में टॉप रिसीव होगी, टैंक टॉप जो कि बहुत ही इलास्टिकेटेड है, सो काफी क्यूट है। लाइक यू नो कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या वेयर करना है, तो बहुत टाइम आप इसको यूटिलाइज कर पाओगे। एंड इसके साथ रिसीव होगा ये कवर अप जो कि काफी लॉन्ग है, सो इसको आप यू नो अपनी बिकनी वगैरह के लिए भी यूटिलाइज कर सकती हो, बिकॉज ये बैक से ना बहुत लॉन्ग सा रहेगा तो काफी कंफर्टेबल फील करोगे। सेम वही बोहिमियन प्रिंट मिल जाएगा एंड दिस इज बाय द ब्रांड नोन एज कूल एंड कैजुअल एंड आई एम इन साइज मीडियम, सो फिटिंग तो आपको देखी जाएगा। प्राइस की बात करें गाइस तो प्राइस था इसका 676 एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे अगेन ये पीस काफी अच्छा लग रहा है। अब चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। गाइस दिस इज हाउ दिस सेट लुक्स लाइक, आई मीन आई लविंग इट। यू विल गेट दिस यू नो टॉप राइट हियर, देन दी शॉर्ट्स एंड दिस यू नो कवर अप सॉर्ट ऑफ थिंग, सो आई रियली लाइक द फिट ऑफ दिस वन। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, लाइक शॉर्ट्स की लेंथ भी बहुत डिसेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा रिवीलिंग सॉर्ट ऑफ शॉर्ट्स नहीं पहनना पसंद, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड जस्ट लुक एट द प्रिंट गाइज, ये जो प्रिंट है ना ये बहुत ही बोहिमियन वाइब दे रहा है मुझे, सो काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ जो ये रिसीव हो रही है इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, लाइक ये टैंक टॉप बहुत सुंदर लग रही है एंड दिस कवर अप इज जस्ट वाओ, लाइक सोने पे सुहागा सॉर्ट ऑफ थिंग हो रहा है। सो मुझे काफी सही लगा, मैंने इसको स्टाइल किया शूज के साथ, बट अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो स्लीपर वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, लाइक फ्लिप फ्लॉप के साथ बेटर लुक आ जाएगा। एंड ये बैग से कुछ इस टाइप का है, सो या मुझे बहुत ही अच्छा पीस लगा। एंड सिमिलर पीस मैंने पहले भी शेयर किया था बट वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में था, ग्रीन कलर में। आई विल इंसर्ट पिक्चर राइट हियर कि कैसा था वो, एंड ये थोड़ा डिफरेंट है, ब्रांड सेम ही था बट गाइस बहुत प्यारा है, गो फॉर इट। सो गाइस लास्ट आई हैव दिस पीस राइट हियर, और देखते ही मैं बता रही हूँ कि मुझे इतना पसंद नहीं आया, ट्राई ऑन तो बाद में करेंगे बट देख के ही मुझे पसंद नहीं आया। प्राइस के लिए मैंने पे किया था 419 गाइस, एंड उसके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है बिकॉज दोनों का फैब्रिक डिफरेंट है, इसका फैब्रिक रिप्ड है, इसका फैब्रिक लाइक्रा है। ओके, ये आप देखो, इसका फैब्रिक रिप्ड रिसीव होगा, टैंक टॉप रिसीव होगी इसके साथ, और ये फ्लेयर्ड पैंट रिसीव होगी। इसका कुछ ऐसा लाइक्रा फैब्रिक है, इलास्टिकेटेड पैंट है, लेंथ काफी अच्छी है, पैंट्स ऐसे अच्छी है बट अगर एज अ कॉर्ड सेट कोई भी वेयर करेगा ना तो फिर अच्छा नहीं लुक लगने वाला, बिकॉज उसका फैब्रिक रिप्ड है, एक का लाइक्रा है, तो वीडियो में थोड़ा बेटर लग सकता है बट अगर कोई पास से देखेगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लाइक डिसेंट सा लगा है तो मैं इतना खुश नहीं हूँ। चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। सो मैंने इसको वेयर कर लिया है एंड व्हाइट हील्स के साथ पेयर किया, थोड़ा सा यू नो कॉन्ट्रास्ट लुक के लिए। एंड यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये बहुत ही बेसिक सी एक रिप टॉप है तो इसको आप अलग वे में भी स्टाइल कर सकती हो। एंड ये जो पैंट्स है ना इनका थोड़ा फ्लेयर काइंड ऑफ लुक आ रहा है एंड इलास्टिकेटेड है तो थोड़ा टाइट टाइट फील हो रहा है, अच्छा फील है, अच्छी फिटिंग है नो डाउट। सो या काफी सुंदर सा मुझे आउटफिट लग रहा है, लाइक बेसिक है एंड डिसेंट सा लग रहा है।
सो गाइज ये था मेरा कॉर्सेट हॉल, इनमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बोहेमियन वाला बहुत अच्छा लगा और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वो पीस काफी ज्यादा अच्छे थे, बस एक ही पीस मुझे पसंद नहीं आया जो मैंने लास्ट में दिखाया, बाकी सब मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आप उनके लिए जा सकते हैं। बाकी ट्रायल में भी आपको एक बेटर आइडिया मिल ही गया होगा। सो या तो चलो आज की वीडियो हम यहीं पे और करते हैं, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज, आई लव यू ऑल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।